Welcome. Today I am going to talk about interaction effect in econometric model. So मैं अपना growth data उसी तरह से रखूंगा ताकि आप लोगों को अगर practice करनी हो तो आपको आसानी हो. और इस video को brief रखने के लिए मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने अपनी पिछली video में R markdown आपको बता दिया था, तो इसको brief रखने के लिए मैंने R markdown का document आपके लिए produce कर दिया है. आप चाहें तो इसको read करके बाद में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा. तो लुक हियर के लिए आपके पास YAML हेडर आ गया, देन आपके पास ग्रोथ डेटा आ गया. इंटरेक्शन इफेक्ट इन द मॉडल क्या होता है कि पहले हमने देखा था कि जी हमारे पास जो है वो x1 और x2 सिर्फ दो वेरिएबल्स थे. अगर हम इसका इफेक्ट देखते हैं बीटा 1 मेयर्स इफेक्ट ऑफ x1 एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ x2 फ्रॉम x1 एंड फ्रॉम yi, that is what I have explained in one of my earlier videos. तो उसका लिंक भी यहां पर मौजूद है. x1 x2 यहां पर क्या हो गए, इंटरेक्शन इफेक्ट्स. तो इंटरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब यह है कि अगर मैं x1 और x2 दोनों का इफेक्ट मेजर करना चाहता हूं तो एक तो उनका ये मेन इफेक्ट आ जाएंगे प्लस उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आएगा. बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो चीज है ये मेजर करती है बीटा 2 इफेक्ट ऑफ x2 पार्शलिंग आउट नेटिंग आउट इफेक्ट ऑफ x1 फ्रॉम द मॉडल. सो आप इसको ग्रोथ वॉल्यूम डेटा को आप देख सकते हैं. सो इसके इंटरप्रिटेशन के लिए मेरी पिछले वाली वीडियो सॉरी. तो ये हमने एक रिग्रेशन मॉडल रन किया, दूसरे वाले रिग्रेशन मॉडल रन किया, कुछ जो ओरिजिनल लाइब्रेरीज हैं ये देखिए, वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है. अभी जब मैं आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट आपको दूंगा तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा. तो यू सी ये लाइब्रेरीज जो रिक्वायर्ड थी ये अपलोड हो गई. ग्रोथ डेटा हमने अपलोड कर दिया, ग्रोथ में से माल्टा निकाल दिया बिकॉज इट वॉज एन आउटलायर. ये देखिए ये जो आपके पास जो चीज ये बैक टिक्स के अलावा है ये आपके पास जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है. तो ये मेरे पास चार मॉडल्स आ गए, यू कैन लुक इनटू दीज मॉडल्स. चौथे मॉडल में मैंने क्या किया है कि एक मैंने टर्म ऐड की है ट्रेड शेयर इनटू लॉग ऑफ ईयर स्कूल विच इज इंटरेक्शन टर्म. मॉडल फोर जो है ये यहां पे हमारे पास स्पेशल मॉडल है. सो ये आपके पास जो है वो मैं इसको एक और सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं वेज पे इफेक्ट मेजर करना चाहता हूं कि जेंडर मेल या फीमेल होने का क्या इंपैक्ट है, ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट होने का क्या इंपैक्ट है. तो अब आप देखिए इस केस में जब मैं जेंडर का इफेक्ट मेजर करता हूं तो इट मींस कि उसमें से ग्रेजुएट इलिमिनेट कर दिया गया, और जब ग्रेजुएट करता हूं तो उसमें से जेंडर का इलिमिनेट कर दिया गया. तो ग्रेजुएट मेजर करता है सिर्फ ग्रेजुएट होना या नॉन ग्रेजुएट होना, जेंडर मेजर करता है सिर्फ मेल या फीमेल होना. बट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि अगर एक पर्सन मेल है और ग्रेजुएट है, फीमेल है और ग्रेजुएट है, फीमेल है और नॉन ग्रेजुएट है, तो देन वी हैव टू गो फॉर इंटरेक्शन टर्म. इसको एक और तरह से समझिए कि लेट्स से कि मैं अपनी ये वीडियोज जो है इसको कितनी वॉच करते हैं लोग. लेट्स से कि एक है मैं फेसबुक पे जा, फेसबुक का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यूट्यूब का क्या आ रहा है, और एक है क्योंकि दोनों में एक कंबाइन इफेक्ट भी मेजर होता है. जैसे ये आपस में मैंने कहा था कि आपस में इनका एक लेवल ऑफ कोरिलेशन होना जरूरी होता है, तो इसलिए वो जो इफेक्ट है वो आपके पास मेजर होगा विद इंटरेक्शन टर्म. तो आप इन चीजों को रीड कर लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा. तो ये देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, या एक कुछ छोटी सी और बात मैंने बताने की कोशिश की है वो ये है कि आप और ये फोर इंग्रेडिएंट्स फोर ऑब्जेक्टिव्स वाली जो वीडियो है उससे लिंक्ड है कि यहां पे ट्रेड शेयर का इफेक्ट जो है क्या सिग्निफिकेंट आ रहा है नहीं आ रहा. जो अदर वेरिएशंस ऑफ द मॉडल्स हैं वो इसलिए हैं ताकि ट्रेड शेयर का ट्रू इफेक्ट मेजर हो जाए ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि ट्रेड शेयर अगर फर्ज करें नॉन सिग्निफिकेंट आ गया तो हम ट्रेड शेयर को छोड़ देते हैं. हम कहते हैं जी ईयर स्कूलिंग का ये इफेक्ट आ रहा है, असैसिनेशन का ये आ रहा है, जो कूज हुई है उनका ये आ रहा है, जीडीपी का इतना इंपैक्ट आ रहा है. तो इस चीज से अवॉइड करें क्योंकि ये प्रिडिक्टर्स की बात कर रहे हैं आप, जबकि इकोनॉमिक्स में हमारा मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिंगल होता है. कॉजल वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ट्रेड शेयर. पॉलिसी किस पे बननी है, ट्रेड शेयर पे. पॉलिसी किससे बनती है, बननी है कि क्लास साइज कम करने या ज्यादा करने से टेस्ट स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. पेरेंट्स जो एजुकेशन है वो इंक्लूड होती है
टू मैयर क्रेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लास साइज। तो ये कमेंट्री थोड़ी सी रीड कर लीजिएगा, जो आपकी फीडबैक हो वो मुझे दीजिएगा। अब देखिए, मैं चाहूं तो इसको, मैंने ये कल भी मैंने आपको बताया पिछले वाली वीडियो आर मार्कडाउन में, कि ये जो चीज होती है बैक टिक्स के दरमियान, ये जहां से आर शुरू हो जाता है, तो यहां पे देखिए ये बना हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड कोड चंक। तो ये कोड मेरा रन हो गया, ग्रीन ग्रीन सब कुछ चला, तो इसका मतलब है कुछ एरर नहीं है। यहां पे मैंने टेक्स्ट ऑफ द बॉडी आ गया, और ये मेरे पास आ गया है अनदर कोड चंक, और ये मेरे पास मॉडल्स आ गए। अब इन मॉडल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इसको मुझे जो है वो देखना है, प्रीव्यू नीट करना है, तो जैसे नीट मैंने कर दिया HTML वर्जन, तो ये मेरे पास देखिए HTML वर्जन आ गया। ये पूरा डॉक्यूमेंट मेरे आपके सामने आ गया, आप इसको रीड कर दीजिएगा। ये वीडियोस के लिंक आप देखें, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो मेरी वो वीडियोस जो इस लेक्चर से ये इस पॉइंट से रिलेटेड है वो आ जाएंगी। ये आपके पास कोड चंक आ गया, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, आप चाहें तो इसको जैसे जीचे इलेबोरेट करते रहें। ये देखिए मैंने इसको जो है वो लाइन करके ये कर दिया, मुझे इस सेंस में कोई मसला नहीं है कि इसको अलाइन कैसे कैसे किस तरह से करना था। इसको मैं पब्लिश करना चाहता हूं, तो देर आर डिफरेंट वेज, एक तो आर्स वगैरह की साइट्स हैं, एक यहां पे मैंने पब्लिश कर दिया, आप इसको जरूर देख लीजिएगा मेरी इस आर पब्स जाहिद असगर पे, तो ये पब्लिश हो जाएगा और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोड्स आपको वहां पे अवेलेबल हैं, यू कैन रीप्रोड्यूस दिस। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, जब तक ये डॉक्यूमेंट अपलोड होता है मैं ये लिंक जो है पुट अप कर दूंगा अपनी वीडियो में। आप इतनी देर में ये देखिए कि इसी चीज को अगर मैं पीडीएफ में लेके जाना चाहता, तो ये देखिए मैं नेट टू पीडीएफ कर दे, ये मेरा जो है वो डॉक्यूमेंट लोड हो गया। ओके, ये मेरे पास यहां पे मैंने इसका कह दिया जी कि ये आपके पास इंटरेक्शन इफेक्ट इन इकोनोमेट्रिक मॉडल। तो इसको और मैं इलेबोरेट करना चाहता हूं, तो मैं ये rpubs.com, तो यहां से आपको ये सारे कोड्स एक्सेसिबल हैं। rpubs का ये होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, इस पे मेरी जो है, आप इसको चाहें तो आप इसको यूज, कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है। तो ये देखिए वही डॉक्यूमेंट यहां पे मौजूद है, आप इन सारे कोड्स को यूज करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं यहां पे आर के थ्रू जो है वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे जनरेट होता है, तो लेट से मैं यहां पे नीड टू वर्ड कर देता हूं, तो ये देखिए मेरे पास वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, आप उसमें फर्दर प्ले करना चाहते हैं, यू फील कि वर्ड इज मोर यूजफुल फॉर यू, तो आप देखिए तो ये वर्ड का एक नाइस डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। आपको कोई कॉपी टेबल्स वगैरह कॉपी पेस्ट नहीं करने, ये टेबल्स की अलाइनमेंट वगैरह थोड़ी बहुत चीजें ये आपको सीखनी पड़ेंगी। पीडीएफ से करना है तो पीडीएफ पे कर दीजिएगा। एट द मोमेंट देखिए मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ ये है कि ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, तो यहां पे ओके, तो ये आपको ये देखना है कि यहां पे देखिए ट्रेड शेयर वगैरह स्लाइड सी जो है ना वो अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं हुई, तो आप उसको देख सकते हैं, ये मॉडल इधर आ गया है। तो अगर इसको देर आर सम इश्यूज इन डिस्प्लेइंग दिस वन, तो इस पे मेरी वो कमेंट्री बॉडी में लिखी हुई है, उसको रीड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, आई होप कि आप इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा आर मार्कडाउन सीखेंगे, तो उससे आपको जो है वो सारी चीजें एक ही डॉक्यूमेंट से आपको रिप्रोड्यूस करना आ जाएंगी। नीड टू पीडीएफ करते हैं, तो शायद वहां पे हमारे पास ये टेबल्स जो है वो ज्यादा नीट क्लीन फॉर्म में आ जाए और अलाइन फॉर्म में आ जाए। तो कल किसी ने पूछा कि लैटेक्स में ये हो सकता है, तो ये जब नीड टू पीडीएफ करते हैं